हेलो व्हाट्स अप गाइस, आज हम लोग ग्रैनी गेम खेलने वाले हैं। तो ये एक हॉरर गेम है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो जिसको भी भूत वगैरह से डर लगता हो तो भाई वीडियो छोड़ के अभी जा सकते हो तुम लोग। तो इस गेम के रूल्स मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इस गेम में हमें 6 दिन मिलेंगे जिसमें हमें इस दादी माँ के घर से एग्जिट करना होगा, और अगर हम 6 दिन में एग्जिट नहीं कर पाते तो दिक्कत ना लो, 7वें दिन ये तुम्हारा गेम ओवर कर देगी, यानी कि तुम्हारा खेल खत्म, जान से मार देगी तुम्हें। तो तुम लोग समझ ही गए होगे कितनी डेंजर है ये दादी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारी इस वीडियो को, प्लीज यार समझा करो, काफी मेहनत लगती है यार एक एक वीडियो बनाने में, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग आ चुके अपने डे 1 में। ओके, काफी अंधेरा सा हो रखा है। ओके, तो दादी माँ के घर में तो हम आ चुके हैं। ऑलराइट, पहले मैं उठ जाता हूँ आराम से। या तो दादी माँ के घर में हम आ चुके हैं, बट ये दादी जी कहाँ पर हैं? तो तुम लोगों को दादी जी का मुखड़ा तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जहाँ पर भी आवाज़ होती है वहाँ ये दादी भगी भगी आती है। तो अभी मैंने ये नीचे फेंक दिया, यहाँ आवाज़ हुई है, अब यहाँ पर दादी आएगी तो तुम लोग दादी को देख पाओगे। जब तक मैं थोड़ा सा और जगह घूम लेता हूँ, इस लीवर को ऑन कर देते हैं। ये देखो दादी जी आ गई, इधर उधर से आ रही थी दादी, ठीक है। वो अगर मैं वहाँ नहीं दिखता तो वो नीचे जाती, जहाँ पे आवाज़ होती है दादी वहाँ आती है, इस बात को तुम याद रखना। मैंने यहाँ पे भी आवाज़ कर दिया है, तो जहाँ पे भी जाओ आवाज़ करते हुए जाओ। इसे तुम दादी को चकमा दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आवाज़ करी, दादी आई, मैं नीचे बाथरूम में गया। बाथरूम में भी भाई चेक कर लेते हैं क्या क्या सामान रखा हुआ है। खैर बाथरूम तो पूरा खाली पड़ा है यार, कुछ भी नहीं था। खैर यहाँ पर भी आवाज़ हो गई है, नीचे आ रही होगी वो बुढ़िया। तो अभी हम लोग किचन में, तो किचन को पूरा चेक मारते हैं। वो बर्ड सीड, बर्ड सीड को हम वो क्रो को खिलाएंगे। ग्रैनी के पास काफ़ी पेट भी हैं, तो भाई मैंने यहाँ पे एक बर्ड सीड को रख दिया, और यहाँ पे पार्ट ऑफ अ शॉटगन भी पड़ा हुआ है एक, तो इसको भी मैं उठा लेता हूँ। हम लोग एक शॉटगन बना के जिससे ग्रैनी को मार सकते हैं, उसी का पार्ट है उसी शॉटगन का। तो मैं नीचे चलता हूँ गैराज में, वहाँ पर ये पार्ट को लगाना है हमें। यहाँ सबसे नीचे जाना है ये कार के पास, और देख रहे हो कितनी बेकार सी कार है, एकदम जंग लगी हुई है। और यहाँ से हमें चेन कटर भी मिल चुका है। एक काम करते हैं भाई, ग्रैनी को यहाँ पे ट्रैप करते हैं। देखो तुम यहाँ पे ग्रैनी को ट्रैप कर सकते हो, यहाँ पे आवाज़ करो, यहाँ पर ग्रैनी आएगी और तुम कार में बैठे रहो। अब देखना यहाँ पर ग्रैनी जैसी ही आती है तो मैं उसे कैसे ट्रैप करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ग्रैनी आ चुकी है और ये अंदर जाएगी, मेरे को बाहर आना है। इस गेट को ऐसे बंद करो, ये डंडा अड़ाओ इधर, और ऑन कर दो फॉग। अब ग्रैनी को तुम्हें एक बात बता दूं, मैं इस ग्रैनी का एक डार्क सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। ग्रैनी को अस्थमा की बीमारी है, बेचारी अस्थमा से मर जाएगी, सांस की प्रॉब्लम से। अंदर मैंने धुआं भी ऑन कर दिया है, तो बेचारी अब 2 मिनट में खबर आ ही जाएगी इसकी भी कि ग्रैनी गॉन 2 मिनट। देखा ऊपर आ गई खबर। ये भी खोलते हैं स्विच सा, सारे पहले ये हटाओ, ये आवाज़ करने वाली चीज़ें हटा दो पहले ही। अब मैं आराम से पूरा किचन चेक कर सकता हूँ, वरना पहले ग्रैनी मेरे को परेशान करने आ गई थी, किचन को चेक करने नहीं दिया था। भाई खाली पड़ा है किचन में, तो कुछ भी नहीं है, ओवन भी खाली पड़ा था, बताओ। ये तो गेट ऐसे ही दिख रहा है, गेट के अंदर कुछ नहीं है। मैं फिर भी खोलूँगा, मज़ा आ रहा है। ड्रॉअर खोल के देखते हैं यहाँ पर क्या रखा हुआ है। ओ प्ले हाउस की, प्ले हाउस की लगेगी प्ले हाउस में। तो यहाँ से हमें इधर आना है, और यहाँ पर टैप करके हम आ जाएंगे प्ले हाउस में। और ये रहा हमारा छोटा सा प्ले हाउस, यहाँ पे प्ले हाउस की लगेगी, इसे खोलो। ओ भाई यहाँ से बाहर का मौसम देखो, तारे वारे। खैर यहाँ पे खोल के गैसोलीन, इसका कोई काम नहीं है वैसे, क्योंकि हम लोग तो गेट से स्केप करने वाले हैं ना। तो उसको मैंने यार यहीं फेंक दिया है, और अभी हम एक सीक्रेट रास्ते से आ चुके हैं यहाँ नीचे वाले रूम में। ऑलराइट, तो यार मेरे को अभी और भी बाकी सामान भी ढूंढना है, तो जल्दी से वो भी सामान ढूंढते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें एक और पार्ट ऑफ शॉटगन मिल चुका है, तो वापस से नीचे चलते हैं और इस पार्ट ऑफ शॉटगन को इसकी जगह पे लगा कर आते हैं कार वाली लोकेशन पे। ओके, तो ये शॉटगन को यहाँ पर रख देते हैं, बट एक पीस और रह गया शॉटगन का। इसमें क्या है? वेपन की। ओ भाई वेपन की मिल चुकी है हमें ग्रैनी का। एक मिनट, पहले मैं ये ऑफ़ कर देता हूँ ताकि धुआं निकलना वहाँ से बंद हो जाए, क्योंकि ये धुआं ख़त्म भी हो जाता है।
तो मैं वेपन की लेके पहले वेपन ले लेता हूँ और ग्रैनी को एक और बार दोबारा से मारेंगे हम। अब की बार हम वेपन से मारेंगे ग्रैनी को। बट ऑल राइट, तो भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे हमें वेपन मिलता है। तो ये खोलो और ये मिल गया मेरा क्रॉसबो और ये मैंने इंजेक्शन भी भर लिया। अब बस ग्रैनी के आने का वेट है और ग्रैनी को चटपट खेल ख़त्म। यार काफ़ी देर हो गई, ग्रैनी आई नहीं अभी तक। दादी जी कहाँ हुआ? ओ आ गई आ गई आ गई आ गई, आजा आजा। ये ले भाई, शूट कर दिया। क्या हुआ? ओ गई गई, खेल ख़त्म, ग्रैनी का खेल ख़त्म। पीछे को गिर, पीछे को गिर, तेरा दांत तोड़ दूंगा बुढ़िया, हट। तो अभी हमें ये क्रॉसबो से एक और काम करना है। हमें यहाँ ऊपर रखे हुए पेचकस को नीचे गिराना है ऐसे, और ज़रा मेरा क्रॉसबो वापस लाओ, अभी एक और काम रह रहा है। यस, हमें एक जगह पे निशानाबाजी भी करनी है। प्ले हाउस की साइड पे यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता है, इसके अंदर जाना है और यहाँ हम एक और सीक्रेट रूम में पहुँच जाने वाले हैं नीचे। ऊपर ऊपर खड़े हो जा भाई, खड़े हो जा। हाँ देखो, यहाँ पर मुझे एम लगाना है, इसको थोड़ा ऊपर करके एम मारना तभी लगेगा, और मेरा लग चुका है एम। अब मैं गेट खोल के यहाँ पे आ चुका हूँ, मुझे हैमर मिल चुका है। हेलो सर। ओ हड्डी मेरे बड्डी भाई, क्या हाल चाल, सब ठीक? ओए ओबे भाई, इसकी तो मुंडी अलग। ओए भाई भागो। ऑल राइट, तो हम एक और न्यू लोकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पर ग्रैनी का क्रो है, जहाँ पर इसको ही हमें खाना खिलाना है। जो हमें फूड मिला था पहले, वो फूड हमें इसे ही खिलाना है। तो एक ही प्लैंक टूटा है, मुझे सारे तोड़ने हैं। यस, अबे भाई एक और। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चेक करते हैं एक मिनट, मीट पड़ा है। अच्छा मेरे को मेरा हैमर दो, क्योंकि मुझे अभी हैमर से और भी जगह पे काम करना है। सबसे पहले मुझे हैमर से ये वाले फट्टे तोड़ने हैं और उसके बाद ऊपर जाना है। बट एक मिनट, पहले मैं ये पेचकस का भी काम कर लूँ। यार देखो, पेचकस से हमें नीचे जाना है और एकदम नीचे। ओके, तो मैं यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ पर ये वाले नट हमें खोलने हैं और इसके अंदर चेक करते हैं हमें क्या मिलता है। पैडलॉक की मिल गई। ओ भाई साहब, एग्ज़िट बहुत इजी होने वाली है मेरी। ओ ग्रैनी, ग्रैनी क्या कर रही है यहाँ पे? ओ दैट शर्ट देख लिया, शर्ट ली। भागो 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 अंदर भाई, ये तो पीछे ही आ गई। ग्रैनी से बचने के लिए अब हम एक ही काम कर सकते हैं, ग्रैनी को मार सकते हैं। ये पैडलॉक की मैंने यहाँ फेंक दी और नीचे से मैं ले आता हूँ अपना फ्रीज ट्रैप। हाँ ये उठा लेते हैं और अब ग्रैनी की ऐसी की तैसी कर देते हैं। ये फ्रीज ट्रैप को हम लगाने वाले हैं इधर। अब जैसे ही ग्रैनी आएगी वो बेचारी जम जाएगी, तो वेट करते हैं ग्रैनी के आने का। हेलो दादी जी, कहाँ रह गई थी आप? अच्छा वो आ गई, आइए और जम जाइए। ग्रैनी, गर्मी में ठंडे का एहसास हुआ? खैर अब हम लोग अपना काम आराम से कर सकते हैं। अब मैं पैडलॉक की को पैडलॉक की जगह पे लगा के पैडलॉक का ताला खोल सकता हूँ। ओ भाई कितने फास्ट बोला मैंने। ये लो खोल दिया ये ताला, और अब हम लोग जरा और चेक करते हैं और चीज़ें क्या क्या हमारा। बर्ड सीड भी देके आना है उस कबूतर को, बेचारे को, बेचारा भूखा बैठा हुआ है कबूतर ग्रैनी का। ग्रैनी उसे खाना पीना नहीं देती, बट हम ग्रैनी के कबूतर को खाना देके और उसको रिश्वत खिला के जो भी आइटम वहाँ पे रखा हुआ है वो लेकर आएंगे। यहाँ से ऊपर जाना है भाई। ओके, तो करो भाई साहब, लो खाना खाओ आप और हमें ज़रा ये कॉग व्हील दे दो। गद्दारी कर दी ग्रैनी के कबूतर ने, ग्रैनी के साथ गद्दारी कर दी। एक मिनट, ये पार्ट ऑफ अ शॉटगन मैंने अब भाई ये यहीं पे रखा हुआ था, मैं काफ़ी बार आगे निकल गया यहाँ से, मैंने को दिखा नहीं। तो पार्ट ऑफ शॉटगन मिल चुका और हमारी गन भी रेडी हो जाएगी। ओके, बस इस पार्ट को भी अटैच करना है और हमारी गन बन के रेडी हो चुकी है। गोली भर लो, अब जैसे ही ग्रैनी मिलेगी ग्रैनी को सबसे पहली गोली मारेंगे हम। लेकिन ग्रैनी को तो अभी हमने मार, ओ भाई मैं अपना हैमर का काम तो भूल ही गया। अभी हैमर से हमारा काम रह रहा है, अभी हमें ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है और ऊपर के भी तो फट्टे तोड़ने हैं और कैमरा भी फोड़ना है ग्रैनी का। इसके घर में फुल तोड़ फोड़ मचानी है हमें।
दादी जी ने हमें किडनैप करके सबसे बड़ी गलती करी है। पता नहीं इसने खुद ने किडनैप किया है या हम खुद ही चले आए इसके घर में मज़े मारने। लो ग्रैनी का कैमरा भी तोड़ दिया और डंडा ले लेते हैं ये वुड स्टिक। वो हाँ यार अभी हम लोग स्पाइडर वाली लोकेशन पे गए नहीं हैं तो जल्दी से स्पाइडर के पास भी ज़रा होके आते हैं है ना। ऑल राइट गाइज, तो स्पाइडर वाली लोकेशन पे जाने के लिए हमें ये वाला गेट खोल देना है और यहाँ पर हमें एक बुक लगानी होगी और बुक को मैंने देखा था बुक। अरे भाई कहाँ बुक हमारी यहाँ रखी हुई थी जब मैं यहाँ पर अपना वेपन की लेकर आया था तब मैंने ये बुक देखी थी यहाँ पे रखी हुई। और इस बुक को लगाना है हमें इधर यहाँ पर और ये सुपर ग्रैनी को हमने आज़ाद करवा दिया है। अब ये बेचारी रहेंगेगी और तुम्हें मिलेगा देखने को सुपर ग्रैनी का गर्मी गर्मी वाला डांस। ये देखो देख रहे हो ऑल राइट। तो यार दादी जी में इतना ही दम था और यहाँ पे दादी जी टपक चुकी हैं और कोई नहीं हम लोग उनकी स्पाइडर की लेके जाएंगे स्पाइडर वाली लोकेशन पे। एक और न्यू लोकेशन है। हाँ ग्रैनी बहुत तरक्की कर रही है, न्यू पे न्यू लोकेशन बनाई जा रही है। वो लोकेशन है यहाँ टीवी के पास। यहाँ पे चाबी लगाओ, डंडा लो, अंदर जाओ। डंडा क्यों लिया वो मैं तुम्हें बताऊँगा क्योंकि यहाँ से भी एक एग्ज़िट है नीचे से। ओके तो आराम से नीचे चलते हैं। ओके तो हम बिल्कुल ही गटर में आ चुके हैं और इसी नाले वाली लोकेशन में सीधा चलते हैं। तो भाई चले जा रहा हूँ मैं और ये देखो बगल में से स्पाइडर निकल के गई। तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई यही है। ओ भाई देख लिया इसने शर्ट। अंदर अंदर चलो और अब मैं ये देखो यहाँ से भी हम एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टिक लगेगी और अभी मेरे को दो चीज़ें और यहाँ पे लगेंगी, चैन कटर और रश की। मैं ज़रा बाहर देखता हूँ कि वो चली गई क्या। ओके तो स्पाइडर यहाँ से जा चुकी है, मेरे को थोड़ा ध्यान रखना होगा। ऊपर ग्रैनी नीचे स्पाइडर। ओ रुको मैं लिफ्ट में भी जा सकता हूँ, मेरे को पता है कौन से नंबर का डब्बा खोलना है हमें। मैंने देख लिया था जब मैं गया था, दो नंबर वाला डब्बा खोलना है हमको। तो मुझे ऊपर चलना है अभी। ओके तो दो नंबर वाला डब्बा खोलना, अगर हम वन वाला खोलते हैं ना तो पटाखा फूट जाता। तो हम लोगों को खोलना है ये वाला। ओके तो यहाँ पे सेफ की मिल चुकी है हमें और जल्दी से हम अपने ग्रैनी की तिजोरी के पास चलते हैं। फिर सेफ की मिली गई है तो ग्रैनी मैं आ रहा हूँ। खैर वो तो नहीं आ रही ना कहीं से स्पाइडर ग्रैनी। हेलो स्पाइडर ग्रैनी, क्या आपका आने वाने का मन कर रहा है यहाँ पे? देखो आने वाने का मन कर... देखो हो रही अच्छा अच्छा मैं जा रहा हूँ। रुको एक बार मैं चेक कर लूँ यहाँ पे सारे रूम्स में क्या क्या सामान रखा हुआ है। इसमें क्या कुछ भी नहीं है। ओके यहाँ ऊपर चलते हैं, इसे भी चेक कर लेते हैं। इधर क्या है भाई, खाली पड़े हैं यहाँ तो। खैर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ डायरेक्ट। ओके अब यहाँ पे ग्रैनी आएगी बट मैंने यहाँ पे फ्रीज ट्रैप लगा रखा है। देखो ये लगा हुआ है यहाँ पे फ्रीज ट्रैप। खैर हम लोग जाके अपनी सेफ की लगाते हैं। ऑल राइट यार, तो यहाँ पे सेफ की से हम मिल चुके हैं कटिंग प्लायर्स। तो कटिंग प्लायर्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ के वायरों को कट करने के लिए। और ज़रा ऊपर चलते हैं, ये वाला वायर भी कट करना है। और अभी एक ओ दादी जी ग्रैनी आ गई, शेट मैंने देखा नहीं। ऑल राइट गाइस, तो मैं आराम से इस साइड पे आ चुका हूँ और मेरे को जाना है सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर की भी वायरिंग काटनी है। वो जो चक्री सी घूम रही है घड़ी में, ग्रैनी ने अपनी घड़ी को एकदम पंखा बना दिया। वो गोल गोल घूमती रहती है इतनी तेज बता रहे हो, देख रहे हो स्पीड, देख रहे हो एकदम पंखा बन चुकी है। आई थिंक ये पंखा ही है, सॉरी। ओके तो हमारे कटिंग प्लायर्स का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और यार यहाँ पे भी देख लेते हैं, मैंने देखा नहीं था यहाँ पे क्या क्या आइटम रखा हुआ है। ओके कार की मिल चुकी है यहाँ से हमें, तो जल्दी से गैराज में चलते हैं और कार में खोल के देखते हैं कार में क्या रखा हुआ है। ओके तो हम कार वाली लोकेशन पे आ चुके हैं, जल्दी से खोलते देखते हैं। मेलन, ओके तो हमको मेलन मिल चुका है और अकेले अकेले खाएंगे, ग्रैनी को नहीं देंगे। ओके ओ ग्रैनी शर्ट, और ग्रैनी को कैसे पता चला मेरे को मेलन मिल गया? ग्रैनी को पता चल गया भाई, ग्रैनी का मेलन लेके जा रहे हैं हम।
भागना पड़ेगा अब तो। तो अब इस मेलन को काटते हैं और कट गया मेलन, मेलन से स्पार्क प्लग निकला। खैर ग्रैनी देख, मेलन तो मैंने काट दे अकेले अकेले, अब देख तू खाना चाहती है तो जल्दी आ जाए यहाँ पे, देख अभी भी रखा हुआ है आधा बचा हुआ है, खा सकती है तू। ग्रैनी देखो कितनी जल्दी आ गई मेलन खाने के लिए, भूखी। किधर हो दादी जी, अब आ, अब आना बुढ़िया, अब मेरे पास शॉटगन है, अब डर गई क्या, कहाँ है बुढ़िया, नीचे आ। ओए ये पगल वाले रूम में थी क्या, शेट यार। अब बस मुझे ग्रैनी से बदला लेना है यार, मैं इस घर से बाहर निकलूँ या नहीं निकलूँ, बस अब मुझे शॉटगन मिल चुकी है। ग्रैनी ऊपर आ जा जल्दी जल्दी, फास्ट आ जल्दी और जा भी जल्दी, आइंदा से मेरे से पंगे मत लियो बुढ़िया, समझी। अब उधर को मुँह करके कैसे पड़ी है, दांत मत दिखा दियो अपने इधर को, कैसे लेट गई भाई। अब बस मुझे एग्जिट करने के लिए मास्टर की चाहिए थी, तो भाई मैं यहाँ पर भी अपना स्क्रू ड्राइवर लेकर आ गया और यहाँ के नट खोले, तो मुझे यहाँ पे मास्टर की मिल गई। तो अब जल्दी से बाहर चलते हैं और एग्जिट करते हैं यार यहाँ से, मेरे को नहीं रहना इसके बेकार से घर में, कभी स्पाइडर से डरो कभी ग्रैनी से डरो, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। स्पाइडर ओ आ गई आ गई आ गई, भागो भागो, एक तो उसका साउंड बहुत डरा देता है यार, अंदर घुसो, निकलो भाई मेरे को निकलना है इसके घर से, मेरे को नहीं रहना भाई, मेरे को निकलना है। और ये मैं बाहर आ गया और निकलते हैं भाई, बहुत सहन कर लिया मैंने इन ग्रैनी और इसी स्पाइडर को, अब मैं निकल रहा हूँ। ऑल राइट यार, अब मैं एग्जिट करने वाला हूँ, तो भाई एक एम रखते हैं इस वीडियो पे, कम से कम 100 लाइक तो करवा ही देना यार, प्लीज़ यार प्लीज़ करवा देना 100 लाइक, ठीक है। तो फाइनली एग्जिट करते हैं इसके घर से। बाय दादी जी।